नमस्कार, मैं हूं दिशा सेठी और आप देख रहे हैं पब्लिक दिलासा न्यूज बुलेटिन। तरनतारन में आप विधायकों पर केस, बिना मंजूरी कर रहे थे धरना प्रदर्शन। पंजाब के 4 मंत्रियों सहित 30 विधायक कोरोना पॉजिटिव, लुधियाना के विधायक सुरेंद्र दावर भी लपेट में। बठिंडा में कर्मियों ने ऊंट पर चढ़ किया प्रदर्शन, थर्मल प्लांट कर्मियों ने वित्त मंत्री पर साधा निशाना। हिमाचल की यूनिवर्सिटी पर डिग्री बेचने का आरोप, सीबीआई ने लिया रिकॉर्ड कब्जे में। 48 मुलाजिमों की मंत्री से वार्ता, 31 को पंजाब भवन में होगी ये वार्ता। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक, जीएसटी सेस में राहत देने पर विचार। लैंडस्लाइड से मंडी मनाली हाईवे हुआ बंद, भारी बारिश से हनोगी में भूस्खलन। अमृतसर के गवाल मंडी में चली गोली, गोली से एक घायल, पुलिस ने किया मामला दर्ज। अमृतसर के 6 क्षेत्रों में कर्फ्यू, शहर में बढ़ रहे कोरोना केस के बाद लिया गया फैसला। स्क्रीनिंग सेंटर प्रशासन को देंगे मरीजों का डाटा, ऐसे मरीज एकांतवास में ना रह कोरोना को दे रहे हैं बढ़ावा। स्कॉलरशिप में घपले पर मंत्री घेरे में, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 64 करोड़ का घोटाला। कोरोना ने कराया गढ़शंकर का अस्पताल बंद, 10 स्टाफ मेंबर पाए गए थे पॉजिटिव। टोल प्लाजा पर छूट हुई खत्म, 24 घंटे की पर्ची पर अब छूट नहीं होगी। करतारपुर कॉरिडोर पर भारत पाक की बैठक हुई संपन्न, पुल पर फैसला आगामी बैठक में होगा। अमृतसर में एनएसयूआई ने भाजपा कार्यालय में मारा ताला, जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर जता रहे थे रोष। एनएसयूआई के पंजाब अध्यक्ष अक्षय शर्मा ने केंद्र सरकार की निंदा की। हिंदू सर्वशक्ति दल ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ किया ये प्रदर्शन। 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ने पर जताया रोष। और चंडीगढ़ में भी एनएसयूआई के सदस्य पुलिस हिरासत में, जेईई और नीट की परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे। सांसद किरण खेर के घर का करने जा रहे थे घेराव। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पब्लिक दिलासा चैनल। नमस्कार।